वह भी इंसान है, अब रिलेशनशिप में गए हो तो फिर डर आएगा, इसको खो ना दे, ये कहाँ ऑनलाइन हो, कहाँ बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, बात समझ रहे हो, वो इनसिक्योरिटी फिर आ जाता है, फिर डर आ गया। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब किसी भी का ब्रेकअप हो जाता है तो क्या तुरंत रिलेशनशिप में जाना चाहिए, ठीक है, या कब जाना चाहिए, कितना देर के बाद जाना चाहिए, या जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है, नया गर्लफ्रेंड बनाना चाहिए, नया बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। तो देखो यार, क्या होता है ना कि जब किसी का ब्रेकअप हो जाता है ना, उसका रिश्ता टूट गया, अब सामने वाला इंसान से बातचीत सब कुछ बंद हो गया, अब ऐसे सिचुएशन में आप अकेले हो, आपको उस इंसान का बहुत याद आ रहा है, उसको मिस कर रहे हो, है ना, क्योंकि आपने उस इंसान के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है, ठीक है। तो अब आपसे उससे बातचीत छूट गया, उससे मिलना जुलना सब कुछ खत्म हो गया, तो वो इंसान याद आ रहा है। अब ऐसे में ना कोई इंसान का ज़रूरत होता है जिससे आप अपनी फीलिंग्स शेयर करो, अपना जो आपका दिल में चल रहा है, जो आपका तकलीफ है उसको बताओ। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि वो तुरंत एक नए इंसान को खोजने लगते हैं, है ना, सहारा के लिए कहो, या अपना जो फीलिंग है, अपना इमोशंस है, जो अपना दर्द है उस इंसान को बताएंगे, है ना, और उसके साथ रिलेशनशिप में रहेंगे, ज़्यादातर यही लोग करते हैं। देखो यार, दो चीज़ है। पहली चीज़ कि अगर आप ऐसा करते हो, ठीक है, ब्रेकअप के बाद तो किसी और इंसान के साथ, किसी लड़का के साथ या किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में जाते हो, नया गर्लफ्रेंड बना ले रहे हो या फिर नया बॉयफ्रेंड बना ले रहे हो, ठीक है, किसी के साथ रिलेशनशिप में चले गए, तो पहला चीज़ कि आप ना कुछ देर के लिए आपको रिलैक्स महसूस होगा, है ना, स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको बहुत उस समय पेन है, बहुत दर्द है, तो एक इंसान मिल गया जिससे आप अपनी फीलिंग, अपनी इमोशंस को शेयर कर रहे हो, अच्छा लग रहा है, चलो कोई नहीं है, एक तो है ना, एक से बात कर ले रहे हैं, है ना, टाइम पास हो जा रहा है, बात समझ रहे हो, जो उसका याद आ रहा था हमको, है ना, उस इंसान का जिससे ब्रेकअप हुआ है, वो सब चीज़ें थोड़ा बच जा रहे हैं, थोड़ा बच रहे हैं, थोड़ा अच्छा लग रहा है, मजा मस्ती हो रहा है, उतना पता नहीं चल रहा है, ठीक है, क्योंकि ब्रेकअप के बाद का जो पेन है, दर्द है, वो बहुत भयानक होता है, और आप उसको अकेले फेस करना मतलब बहुत टफ होता है। तो इसके लिए ना आपको एक फ़ायदा तो हो गया कि चलो भाई एक नया बंदा मिल गया, एक नया लड़की मिल गई या लड़का मिल गया, जो भी, उससे सब अपना वैसे ही बातचीत होने लगा, वैसे ही घंटों चैट हो रहा है, कॉल हो रहा है, मैसेज हो रहा है, वीडियो कॉल हो रहा है, वट एवर, मज़ा आ रहा है, लाइफ मतलब कंट्रोल में है, बुरा नहीं लग रहा है। इसका तो ये हो गया फ़ायदा जो आपको अभी नज़र आ रहा है, बात समझ रहे हो, ये ना टेम्प्रोरी बेनिफिट है, मतलब टेम्प्रोरी हैप्पीनेस जिसको कहते हैं, ये ना अभी कुछ देर का खुशी है, लॉन्ग टर्म में ये सही नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा। कैसे, ये समझो, देखो जब भी ब्रेकअप होता है तो आप ना बकबका रहे हो एकदम, है ना, टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, अरे भाई कोई चाहिए, कोई इंसान चाहिए, कोई लड़का चाहिए जिससे हम अपनी बात करें, है ना, कहाँ जाएँ, उसको उसका बहुत याद आ रहा है, अब तो नहीं रह पा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें, एक को खोज लिए, बातचीत होने लगा, तो क्या वो भी तो ह्यूमन है ना, वो भी इंसान है, अब रिलेशनशिप में गए हो तो फिर डर आएगा, इसको खो ना दे, ये कहाँ ऑनलाइन हो, कहाँ बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, बात समझ रहे हो, वो इनसिक्योरिटी फिर आ जाता है, फिर डर आ गया, पहले बार से भी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम में डाल देगा, है ना। तो दूसरा नंबर पर एक चीज़ आता है कि फिर क्या करें, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो नहीं जाना चाहिए, तुरंत कभी भी ब्रेकअप के बाद रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए, याद रखना इस बात को हमेशा। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यार देखो, तुमने जो टाइम किसी के साथ रिलेशनशिप में बिताया है, उसमें ना तुम एक चीज़ गौर करना कि तुम सामने वाला को ही लेके फिक्रमंद हो, अरे क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ खा रहा है, क्या कर, समझ रहे हो, कहाँ होगा, कहाँ सोया है, क्या कर रहा है, किसी से बात तो नहीं कर रहा, कहीं मिलने तो नहीं चला गया, बहुत सारा डर, समझ रहे हो, हमेशा ले देके 24 घंटा उसी पे कॉल पे लगे हैं, मैसेज पे लगे हैं, सिर्फ वही 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 आपके दिल दिमाग में चल रहा है। अब आप का ब्रेकअप हुआ, आप लोग अलग हुए, अभी यही मौका है ना आपको थोड़ा सा खुद के साथ टाइम बिताने का, खुद को समझने का, खुद की गलतियां को, जो आपने गलतियां, अब भाई अभी रिलेशनशिप में तो कुछ ना कुछ गलती करते हो, क्योंकि सामने वाला ही हमेशा गलत नहीं होता है, हमारी भी कुछ गलती होती है, तो उस गलती को एक्सेप्ट करने का, उसको रियलाइज करने का, उसको सुधारने का, उसको करेक्ट करने का, यही टाइम होता है। और लोग क्या करते हैं, तुरंत रिलेशनशिप में चले जाएंगे, है ना, फिर से चालू, फिर से वही कॉल मैसेज, ये वो, समझ रहे हो, वो और उनको डैमेज कर दिया। तो कभी भी रिलेशनशिप में आप किसी के साथ हो, आपका ब्रेकअप हो गया, मत जाओ रिलेशनशिप में, ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा, ठीक है। एक और चीज़ है, अगर आप अपने पे टाइम देते हो, ठीक है, खुद को समझने लगते हो, खुद पे टाइम बिता रहे हो, थोड़ा सा बुरा लगेगा यार, थोड़ा सा पेन होगा, क्योंकि एक्सेप्ट कर पाना या सहना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन कोई बात नहीं है, कोशिश करो, अपना बहुत स्ट्रांग और बहुत पावरफुल पर्सन बन के निकलोगे, क्योंकि ब्रेकअप के बाद लोगों की ज़िंदगियाँ बदलती है, लाइफ बदलता है, लोग ना क्या थे और क्या बन जाते हैं, अपनी ज़िंदगी में
क्या अचीव कर लेते हैं। मैंने ऐसा बहुत सारे लोगों को देखा है, आपने भी सुना होगा, है ना। यूट्यूबर बहुत सारे लोग हैं, यूट्यूब पे पता है उनका ब्रेकअप हुआ और पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ, अपने करियर, सब कुछ को बदल के रख दिया ब्रेकअप के बाद। उस पेन को अगर वो क्या करते हैं, अगर वो भी रिलेशनशिप में चले जाते तुरंत, सब गेम ओवर, खत्म कहानी, तुरंत फिर वही सब चीज़ में फंस के रह जाओगे आप, बात समझ रहे हो। इसलिए ब्रेकअप के बाद कभी भी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए। आपको अपने आप को समझना चाहिए, अपने आप को हील करना चाहिए, बेटर बनाना चाहिए, स्ट्रांग बनाना चाहिए, ठीक है। और जो जो गलती आपने की है उसको सुधार के उसे सीख लेना चाहिए। और सामने वाला इंसान जो जो आपको दिया है, ठीक है, उस सभी चीज़ों से सीख लेना चाहिए कि भाई लाइफ में अभी ये गलती हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो शेयर ज़रूर करना, इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर सब जगह करो, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, अपने दोस्त यार सबको दिखाओ, अपनी गर्लफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड को, और व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करो, ठीक है, व्हाट्सएप में शेयर करो, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, सब जगह शेयर करो, सपोर्ट करो, आपके सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही। एक और चीज़, अगर आपके लाइफ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, बिंदास होकर मुझसे पूछो, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर हम बात करेंगे, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।